हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ। कल मैंने एक न्यूज़ सुनी, माय सिस्टर टोल्ड मी दिस। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो पता नहीं चला, बट मैं यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। बट आई एम शॉक्ड कि मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली पिछले काफ़ी दिनों में, इवन नॉट ऑन एनी ट्रेंडिंग पेज और या फिर कहीं पर भी, मैं क्योंकि चेक करता रहता हूँ। सो आई वॉज लाइक सो क्यूरियस कि पीपल से इस बारे में बात क्यों नहीं करने हैं। मतलब मैं सुबह 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे शायद मोदी जी लाइव थे, सो मैं उनको देख रहा। सो मैं सोचा कि उन्होंने भी अभी तक बात नहीं करी है, व्हाई नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। अगर मैं अपनी सिस्टर से बोला कि अगर सब एक्ट्रेस भी फॉरगेट अबाउट मेंस, अगर सब भी एक साथ आ जाएं और इस बारे में बात करें तो मे बी शायद कुछ एक्शंस हो। मे बी इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि वी शुड लॉज में कुछ चेंज होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए, शायद कुछ एक साथ हो जाए। इट्स लाइक कि अभी हो सकता है, बाद में तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर कौन ही ध्यान देता है। देन अपने आप में अचानक से अंदर एक क्वेश्चन उठा कि तू भी तो बात नहीं कर रहा है, यू आर ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर। सोशल इशूज़ पर खैर मैं बात नहीं करता हूँ, एक दो बारी की होगी, बट तू भी बात नहीं कर रहा है। हम पर्सनली, मेरे लिए ऐसा है कि मैं इन सब टॉपिक पे ऐसी स्टोरीज़ को, ऐसी न्यूज़ को, ऐसी मूवीज़ को, ऐसी वेब सीरीज़ को नहीं देखना पसंद करता, बिकॉज आई एम अ वेरी जोकल पर्सन। वैसे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर्सनली अपने आप को ऐसे एवं ही नहीं बोल रहा जैसे प्रैक्टिकली मुझे पता है, बट ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों बट मुझे डिप्रेस कर देती है बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक कि मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ, बट कल रात से जब से बात सुनी है, I was like lost my smile completely. So अपने आप में ये क्वेश्चन उठा कि तू भी तो बात नहीं कर रहा है। सो ऐसे कि मैं नहीं, कैमरे के सामने मैं अपने आप में इतना ज़्यादा अपसेट हूँ, आई कॉन्ट स्पीक लाइक दिस। सो अगर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप किसी भी न्यूज़ पर देख सकते हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट कि व्हाई नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एंड कॉजेज क्या है एक्चुअल में, और क्या जो लोग बोल रहे हैं या फिर जो सुनने में आ रहा है वो एक्चुअल में वही है, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा गलत ले रहे हैं इस टॉपिक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि मेरे मॉम डैड या फिर आपके भी शायद आपने सुना होगा, हमेशा एक बात बोलते हैं कि अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है, अभी तुमको पता चलेगा, अभी तुमको पता ही नहीं है, अभी तो जस्ट तुम अपने मोबाइल पे लगे रहते हो। मैं हमेशा यू नो अपने सिस्टर्स के लिए ऐसा था कि जाओ अपने आप वर्क करो, तुम ये कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट कि गर्ल हो तो नहीं कर सकते, सोलो में जाओ और बी लाइक इंडिपेंडेंट, कि अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम ये कर सकते हो। एंड माई मदर एंड फादर वॉज ऑलवेज अपोजिट ऑफ इट, हमेशा मुझे पसंद नहीं करते थे इस बात के लिए, और मेरा हमेशा मुझे बड़ा प्राउड एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि जब भी वो कुछ ऐसा करती थी कि इट गिव्स लाइक कि या दे आर डूइंग गुड, तो मैं बड़ा खुश होता था। बट कल उन्होंने मुझसे क्या बोला, जब हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया, देन दे से लाइक कि यार ठीक है, हम लोग ऐसे पापा मम्मी ठीक बोलते हैं, रात को नहीं जाना चाहिए। एंड सडनली एज ऑलवेज मेरे माइंड ने एकदम से उनको बताने का अंदर एक मैसेज हुआ कि नहीं, गलत सोच रहे हो आप ये लोग, ऐसा नहीं है। बट इंस्टीड ऑफ दैट मेरा माइंड अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि हाँ, शायद मॉम डैड ठीक बोलते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस 50 इयर्स का है, उन्होंने शायद ऐसे केसेस देखे होंगे, हमने अभी तक सुने हैं, एक दो केसेस सामने आए हैं, बट उन्होंने शायद ये सब देखा होगा, दैट्स वाई दे आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। शायद अपने ही प्रिंसिपल से मैं यहाँ पर पीछे हट गया और अपना ही माइंड मेरे को कुछ और ही कन्विंस करने पर लग रहा था। इन डेवल्स लोगों की वजह से, इन पीपल्स की वजह से, और लास्ट में फिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये दिमाग में आता है। हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है कि इंसान को अगर 20 साल की सज़ा मिलती है तो डेज और नाइट्स दोनों काउंट होती है प्रिजन में, तो वो 10 ईयर की मानी जाती है। 10 साल के बाद इंसान बाहर आ जाएगा अगर उसको 20 साल की सज़ा मिली है, 10 साल की मिलती है तो 5 साल के बाद बाहर आ जाएगा, फांसी पहले तो होती नहीं है, और अगर ऐसे केसेस में तो इवन दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन, वो भी ठीक नहीं है। क्या वो सब 1% भी जो इन्फ्लुएंस सोसाइटी को, मैं आगे बात करूँगा उससे रिलेटेड, सीक्वल वाइज चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले एक पोर्चे का केस हुआ था, एक अच्छी रिच फैमिली से एक इंसान को मार दिया, बट नथिंग हैपन। अभी भी इतना ज़्यादा यू नो ओके सीबीआई केस को वो कर रही हैं। मैं न्यूज़ में देखता हूँ 2001 का केस है, बट सज़ा हो रही है 2024 में। वो इंसान जो डेविल था, वो उस टाइम 40 का था, अब 60 का हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट एंड, 60 का तो हो करके अब उसको क्या तुम सज़ा दे रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया है। अब उसकी वैसे भी एज पूरी हो गई है, उस एज में तो वैसे भी घर पे भी बैठना है, वो जेल में जा करके बैठ जाएगा, इवन वहाँ पर शायद उसको कोई परेशान नहीं करेगा, वो आराम से बैठा रहेगा वहाँ पर। क्यों अपनी प्रिजन भर रहे हैं हम लोग ऐसे लोगों के लिए, क्यों
कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, आर वी रियली इंडिपेंडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कि मतलब कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं, इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं कि लॉज चेंज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो कि यू नो एटलीस्ट पीपल्स को थोड़ा डर हो। मैं आजकल जब भी ऐसी चीज़ें देखता हूँ, सो आई फील लाइक कि रिग्रेट होना तो छोड़ दीजिए, रिग्रेट तो एक अच्छे इंसान को होता है। द पीपल्स वॉज लाइक सो नॉर्मल आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कोई किसी को मार दे रहा है रोड पर, कोई ये सब कर रहा है, एंड इट्स नॉट गिल्ट, तो बहुत दूर की बात है। दे वॉज लाइक सो नॉर्मल कि ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या प्रॉब्लम है? एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रॉब्लम। वाई वी आर नॉट, अभी तक क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं? क्यों हम रैली निकाल रहे हैं? क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्यों हम बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में ये है, वो है, ये है, वो है? ये है अभी प्रेजेंट, ये है, ये चल रहा है, इसके बारे में दिस इज़ द टॉपिक शुड बी, कि सब इसके बारे में बात करें, कुछ एक्शन हो जो शायद फ्यूचर में ये सब चीज़ें जो इससे इन्फ्लुएंस पड़ा है ना। एक तो जो हमारे यहाँ पीपल रिसोर्सेज के साथ है ना, जिनके पास एक्चुअल में पावर्स हैं, इंडस्ट्री की बात कर लीजिए आप, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करिए, पॉलिटिक्स तो आप छोड़ ही दीजिए, पॉलिटिशियंस तो छोड़ ही दीजिए, जो अच्छे रिसोर्सेज वाले इंसान हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो एनिमल मूवी जैसी बना रहे हैं, एनिमल जैसी मूवी बना रहे हैं, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट जा रहा है कोई मतलब नहीं, वी जस्ट नीड टू अर्न प्रॉफिट्स। आम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट कभी कभी पढ़ते पढ़ते खुद से चिढ़ोने लगती है कि इज दिस रियली इंपॉर्टेंट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, वो ही मेन है क्या? प्रॉफिट ही रह गया क्या दुनिया में सब कुछ? ह्यूमैनिटी कोई नाम की चीज़ होती है फिर? नहीं होती है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर कोई चीज़ दिखा भी रहे हैं तो ऐसे तरीके से दिखा रहे हैं कि कहना ही क्या। मुझे केरला स्टोरी याद आती है, मैंने उस मूवी के बारे में कभी बात नहीं करी। फॉर मी दैट वॉज लाइक, बाद में बात करूँगा, पहले कुछ और बताता हूँ। मुझे उस टाइम पे लगता था कि लोग इस चीज़ को गलत ले जाएंगे अगर मैंने ये चीज़ बोली। मैं पहले कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने एक डॉक्टर को देखा, वो भी कोलकाता से ही हैं। उन्होंने बोला है कि वो रात को हॉस्पिटल में रुकी हुई क्यों थी, उनको नहीं रुकना चाहिए था। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आज तक कभी रात को हॉस्पिटल में नहीं रुकी। वो वहाँ पर क्यों रुकी थी हॉस्पिटल में? इज़ द प्लेस इज़ द प्रॉब्लम? प्लेस क्या प्रॉब्लम है? क्या हमने ऐसे केसेस नहीं सुने कि ट्रेन में वो सब होता है, बसेस, एनी प्लेस? नाउ हॉस्पिटल वो अपने आप में एक इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर एक इंसान की जान बचती है। इज़ द प्लेस इज़ द प्रॉब्लम? शायद आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे समझिए कि क्लॉथ्स, हमारे ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली में ऐसे कपड़े मत पहनो, पूरा सोशल मीडिया भरा पाया। दैट्स वाई आई रियली डोंट लाइक ऑल, लाइक मुझे चिड़ हो जाती है सोशल मीडिया के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसे कपड़े पहने हुए, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, ये ठीक नहीं है, अपने ट्रेडिशंस क्लॉथ्स, ये वो वगैरह वगैरह। क्या क्लॉथ्स प्रॉब्लम है? क्या जो एकदम नॉर्मल क्लॉथ्स में थे, क्या उनके साथ वो सब नहीं हुआ? क्या जो बिल्कुल आप जिनको मानते हो दीज आर द सेफेस्ट क्लॉथ्स, ये पहनना चाहिए? पहली बात तो आपका कोई हक नहीं है किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करने का कि तुमको क्या करना चाहिए, कैसे, वो तो उसकी बॉडी है, अपनी मर्जी है, जो क्लॉथ्स पहनना चाहे वो पहने। बट क्लॉथ्स इज़ द प्रॉब्लम, प्लेस इज़ द प्रॉब्लम, टाइम इज़ द प्रॉब्लम। रात का टाइम था, रात को बाहर मत जाओ, ये बड़ा कॉमन है हमारी इंडियन फैमिलीज में, नहीं रात को बाहर नहीं जाना, रात सेफ नहीं है, दिन सेफ है। क्या दिन के एग्जाम्पल्स नहीं सुने आपने? क्या अभी हम रिसेंट में दिल्ली में 2-3 केस हुए शायद दिन में मार दिया किसी को? क्या दिन में ऐसे केसेस नहीं होते? क्या पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल इज अ पब्लिक प्लेस इटसेल्फ, क्या वो तो अपने आप में बहुत बड़ी प्लेस है, क्या प्लेस नहीं होते? आप छोड़िए, आप बात छोड़िए क्लॉथ्स की, आप बात छोड़िए एज की। एज बड़ा कॉमन फैक्टर है, एज रहता है कि यार इस एज में है, ये है, वो है। मैंने 19 ईयर ओल्ड लेडी के केसेस भी सुने हैं और 9 ओल्ड बेबी गर्ल के केसेस भी सुने हैं। इज द एज इज द प्रॉब्लम? क्लॉथ्स इज द प्रॉब्लम? एज इज़ द प्रॉब्लम? प्लेस इज़ द प्रॉब्लम? इवन जेंडर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। यार ये सब फैक्टर्स केस टू केस चेंज होते चले जाते हैं, हर फैक्टर केस टू केस चेंज हो जाता है। क्या वेट कर रहे हो क्या कि सारे फैक्टर्स जब हमको दिख जाएंगे हम तब दिमाग लगाएंगे, यार हम तो ये सोचते थे ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा भी हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम वो नहीं है, दीज ऑल आर नॉट द फैक्टर्स एक्चुअली, जो लोग मानते हैं कि सेफ रहो, यू नो ऐसे क्लॉथ्स वेयर मत करो, रात को घर से बाहर मत निकलो, ऐसे ट्रैवल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इवन जेंडर इज नॉट द प्रॉब्लम। यार अब मैं बहुत बड़ी चीज़ बोलने वाला हूँ, इवन रिलीजन इज नॉट द प्रॉब्लम, जो मैं बोल रहा था वहाँ पर। आई एम रियली सॉरी टू से, जो लोग पूरी तरीके से, आप काफ़ी शायद लोग इस वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे, पहले तो कोई देखने ही वाला नहीं है जिस तरीके से मेरा चैनल है, तो फॉरगेट अबाउट चैनल। जिस तरीके से केरला स्टोरी मूवी को प्रेजेंट किया गया और जिस तरीके से पीपल्स ने उसको परसीव किया, आई वॉज लाइक कम्प्लीटली फुलिश थिंग पीपल्स आर डूइंग। एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा था, मेरे को कोई आकर के लड़की या फिर कोई भी मेरी बहन या फिर कोई भी फ्रेंड बोलती है कि किसी ने मेरे राइट लेग को हर्ट किया, मैं उसको समझा रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर राइट लेग अगर कोई राइट लेग पे मारता है। देन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, राइट लेग की बजाय किसी ने उसको लेफ्ट लेग पे हिट किया, देन आई वॉज ट्राइंग टू
यू नो उसको समझा रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर लेफ्ट लेग। नेक्स्ट टाइम उसके किसी ने राइट हैंड की रिंग फिंगर तोड़ दी, जो भी केस में हुआ है, देन मैं उसको समझा रहा हूँ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड, देन गले की गर्दन, देन फेस। समझ पा रहे हो आप कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं? इट्स नॉट द फैक्टर, इट्स अबाउट हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर होल बॉडी। इट्स नॉट अबाउट एज, प्लेस, क्लॉथ्स और इवन रिलीजन, जिसको लव जिहाद लोग बोल देते हैं। हाउ यू कैन से कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कैसे ठहरा सकते हो? मैं मुस्लिम नहीं हूँ अगर आप सोच रहे हो तो। आई जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर हम लोगों की चीज़, क्लॉथ्स, टाइम, जेंडर या फिर कोई भी चीज़ फैक्टर नहीं है। फैक्टर इज ऑल अबाउट अ पर्सन। जो गलत है ना वो गलत है, हम अपने आप में गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। हम अगर गलती भी कर रहे हैं ना, जो सही इंसान समझाने वाला होगा ना, वो आकर के समझा देगा, वो अच्छे से बता देगा कि ये हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और जो गलत इंसान होगा ना, आप कितने भी अच्छे हो जाइए, वो आपको गलत तरीके से ही देखेगा और वो गलत काम ही करेगा। द पीपल्स आर नॉट द प्रॉब्लम एंड थिंग्स इज वी शुड डू समथिंग। एटलीस्ट इन बुरे पीपल्स को ये लगना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका अंजाम एक्चुअल में हो क्या सकता है, इससे एक्चुअल में हो क्या सकता है, इस तरीके से लोग ले रहे हैं। होप सो वीडियो कंप्लीट कर पाऊँ, जो बोलना चाह रहा हूँ वो बता पा रहा हूँ शायद। और एक्चुअल में पता है मुझे बहुत चिढ़ होने लगी अपने एजुकेशन से। एजुकेशन इज़ नाउ ऑल अबाउट आपको एक जॉब मिल जाए, आप जो चाहते हो, आपका बिजनेस सेटल हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे यार, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो चलेगा, ये जो लाइफ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं ना, जो वो इंसान था वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरी कम्युनिटी को इतना ख़राब एग्जांपल्स दे रहा है। मैं आगे बता रहा हूँ किस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। ओवरऑल वो अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, इन लोगों के लिए तो हेल में भी जगह नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, एक लाइफ ख़राब करके, और इतने ख़राब जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बात करूँगा अभी उसकी। वो सीरियसली ये सब हो रहा है। एजुकेशन हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है ना, वी एक्चुअली डोंट नो कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे याद है MED नाम का एक सब्जेक्ट होता था व्हेन वी आर लाइक 3rd, 4th स्टैंडर्ड, मॉरल एजुकेशन। 12th स्टैंडर्ड के बाद, स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद रियलाइज़ हुआ मॉरल एजुकेशन एक्चुअल में क्या है। टेस्ट ले रहा था स्कूल हमारा, जस्ट हम मॉरल एजुकेशन पढ़ रहे थे आंसर्स देने के लिए, जो हमें क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे थे, इंग्लिश में वो थे, उस टाइम पर समझ में भी कुछ नहीं आता था, टीचर समझाती नहीं थी। नाउ वी आर रियलाइजिंग इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम्स, मॉरल एजुकेशन। काश कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो जिनमें आपको ये कॉमन चीज़ें समझाई जाए, जिनमें डेविल इंसान एक दिन में नहीं बनता। इस इंसान का एग्जाम्पल आप इसके घर वालों से जा कर के, इसके घर वालों का मैं एक वो देख रहा था, छोटी सी वीडियो एक मिनट की, उसमें इसके घर वाले बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में आके मार पिटाई करते थे, तो ये तो पहले से इंसान ऐसा था। ऐसे धीरे धीरे इंसान ख़राब बनते, कहाँ से ख़राब बन रहे हैं? अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी मॉरल एजुकेशन हो, इट्स नॉट अबाउट कि उसको इंटरव्यू में जा कर के कैसे आंसर देने हैं, उसको अगर ये पता हो क्या सही है क्या गलत है, वॉट इज ह्यूमैनिटी, एटलीस्ट उसको ये पता हो, तो ये सब शायद ना हो। एक बड़ा नॉर्मल सी कहावत है मेरे दिमाग में, सुबह से घूम रही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मछली एक लिविंग थिंग है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उसके अपने परसेप्शन हो सकते हैं, उसका अपना बिहेवियर हो सकता है, किस तरीके से वो एक्ट कर रही है वो अलग हो सकता है, बट तालाब तो इस जैसा वो वहां पर है। आप उसमें जाकर के डूब जाओ अलग बात है, बट वो वहाँ पर है, वो आपको शायद उसमें कुछ फूल होंगे, वो अपने आप में देखने में इतनी खूबसूरत नेचर की चीज़ होगी, बट वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो वो बात है, बट आता क्या है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मछली गलत है लेकिन तालाब गंदा हो रहा है। सेम एज़ कि एक इंसान है ना, वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे दुनिया को, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को गंदा कर रहा है। और इससे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, बिकॉज दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट इज़ माय प्रॉब्लम। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा भी कोई ना कोई वो होगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। सोशल इशू पर मैं कभी बात नहीं करता, बट इसमें लगा कि यार कोई भी बात नहीं कर रहा है, तू भी तो बात कर सकता है, बट फिर लगा तू भी बात नहीं कर रहा है। विश्वास और अंधविश्वास में ना बड़ा पतला सा फ़र्क होता है, आपने भी सुना होगा। मैंने यूजुअली देखा था, मैं यही बताना चाह रहा था उन सारे फैक्टर्स से कि इट्स नॉट अबाउट कि कोई रिलीजन ख़राब है। जब अपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब दो लड़के बाइक पर गले में राम जी का वो डाला हुआ और वो जा रहे हैं और वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मेरी सिस्टर तब मेरे साथ थी, मुझे इतना ऑकवर्ड फील हुआ। आई वाज लाइक, उस मोमेंट मुझे लगा कि उन्होंने तो ऐसे डाला हुआ है। यही विश्वास और अंधविश्वास में, एजुकेशन में और नॉन एजुकेटेड पर्सन में फ़र्क है। मुझे नहीं पता, शायद मैं भी गलत हूँ, हो सकता है। इंसान है ना, एक्चुअल में समझ लेता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब सही है,
आप एक्चुअल में क्या कह रहे हो, राम वर्ड है, हमारे रिलीजन में माना जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। मुझे महादेव के शब्द याद आते हैं कि राम तो जस्ट तीन अक्षर हैं, अगर आप उसके पीछे समझ पा रहे हो कि वो इंसान क्या था, उसके लिए उसके नॉर्म्स थे कि मुझे अपने प्रजा के लिए सब कुछ करना है, उसने अपने प्रजा के लिए अपने लव वन को भी छोड़ दिया। अगर आप अपने रिलीजन के पीछे समझ पा रहे हो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ पा रहे हो, अगर कुछ गलत है तो उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो, दैट इज़ द कि आप ठीक है, अच्छा कर रहे हो, आप एक वर्ल्ड के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हो। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं सीरियसली क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर मी, मैं हमेशा वसुदेव कुटुंबकम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए सब इंसान एक जैसे हैं, आई फील लाइक कि हर इंसान बहुत अच्छा है, बट अब सोसाइटी पे जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन चीज़ों का। एंड जस्ट एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, अगर कोई लेडी डॉक्टर, कोई और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है, कि एक लेडी डॉक्टर एक्चुअल में किसी पेशेंट को नीड है हॉस्पिटल में, एक्चुअल में हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल को नीड है उस लेडी डॉक्टर की, वो उनको रात के 1 बजे या फिर 2 बजे कॉल करते हैं कि मैम आप प्लीज़ आ जाइए, क्या उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स, क्या वो लड़की अपने आप में सोचेगी नहीं, इज इट रियली सेफ दैट आई एम गोइंग एट दिस टाइम एट द हॉस्पिटल जहाँ पर अभी ऐसी ये सब हो रहा है? उसने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी अपने आप में ह्यूमैनिटी की, कि उस इतना सारी लाइफ बचा सकती थी, जिन पेशेंट्स को एक्चुअल में नहीं थी, जो लाइफ बच सकती थी वो सब चली गई। ये एग्जाम्पल्स हम सेट कर रहे हैं अपनी किस में, अपनी कम्युनिटी में। मेरे लिए वर्ल्ड बड़ा अच्छा है, मैं हमेशा जोगिल मूड में रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। क्या मैं खुश रह सकता हूँ जैसे मेरी स्माइल उड़ी हुई है? क्या मैं हमेशा कोई फॉरेनर बाहर से आ रहा है जैसे मैं देखता हूँ? हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो शक्की टाइप के लोग, मैं बोलता था कि वो हमेशा ऐसे रहते हैं कि दूसरे को जज करते हैं, क्या वो इंसान सेफ है फिर नहीं, क्या ये जगह सेफ है कि नहीं, क्या जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, जिस जगह से हम जा रहे हैं, जिस वे से हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो सब सेफ है कि नहीं। मेरे लिए था कि एवरीवन इज़ लाइक सो गुड, बट यहाँ पर आता है एक्चुअली इमेजिनरी वर्ल्ड। इस इमेजिनरी वर्ल्ड मैं मानता हूँ इट्स कम्प्लीटली मैजिकल वर्ल्ड। मैं अपने आप को आई फील लाइक आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि मुझे लाइफ मिली इतने खूबसूरत वर्ल्ड में। बट वही वाली बात है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इनके जैसे इंसान इतने खूबसूरत हमारी दुनिया को गंदा कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो वाई पीपल्स आर पुटिंग दोज पीपल्स इन प्रिजन्स, वहाँ का खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों इन इंसानों के लिए पृथ्वी पर नहीं, इनके लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। हम स्माइल अपनी खो देते हैं, हम हर एक को शक करने लगते हैं कि हो सकता है ये इंसान भी वैसा ही हो सकता है ये भी ठीक हो। और एक्चुअल में उनसे पता है क्या एक और फ़र्क पड़ेगा, अगर इन फ्यूचर सेम एग्जांपल लेते हैं, कोई पेशेंट एक्चुअल में डॉक्टर की हेल्प करना चाहता है, क्या वो बिलीव कर पाएंगे उन पर? एक्चुअल में जो कोई अच्छा काम करना चाहता है ना, अच्छे पीपल्स भी अच्छा वर्क नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल्स। आई वॉज लाइक हम कम्प्लीटली कि लोग कैसे कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मत करो, वो मत करो, इस पर शक करो, उस पर शक करो, बिकॉज दीज पीपल्स आर द प्रॉब्लम, ये लोग प्रॉब्लम है। हम कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं? फिर तो ब्रिटिशर्स ही ठीक थे यार, हम उनके अंडर में रह रहे थे, उन्होंने हमको होल्ड किया हुआ था, वो हम पर राज कर रहे थे, आजकल पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, अंतर क्या रह गया फिर? इट्स अबाउट कि अगर पीपल्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर इश्यू उठ रहा है तो उसको सॉल्व करना। हम देख पा रहे हैं इतने टाइम से बात चल रही है कि वी शुड डू सम चेंजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि एटलीस्ट लोगों को ये रहे कि नहीं यार, थोड़ी क्रूरिटी बात करूंगा, मुझे पसंद नहीं है सब बात करना, बट व्हाट वी कैन डू, जस्ट शूट देम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ द पीपल्स, ये गलत नहीं होगा, ये एक्चुअल में एक एग्जाम्पल होगा उन सब लोगों के लिए जो शायद एक बार कोई फॉरनर हमारे यहाँ पर आ रहा है। हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इंडिया की, पर्सनली फील आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता, मुझे लगता है हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इंडिया की। क्या क्या एग्जांपल्स जा रहा है टूरिस्ट को, दिस इज़ ये कंट्री है। अभी रिसेंट में, अभी लास्ट ईयर एक कपल्स थे दोनों, इतना ज़्यादा वो ट्रैवल करते थे वर्ल्ड में, उनके साथ सेम थिंग हैपन। क्या मैसेज जा रहा है, दिस इज़ आवर कंट्री, सेफ है हम, फॉरगेट अबाउट कि हम बात कर रहे हैं बाहर की ये वो वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। हमारी इंडिया में हम आज 15 अगस्त पे सेलिब्रेट हो रहा होगा ये वो, आई एम जस्ट पर्सनली मैंने फ्लैग लगाया ऊपर जाके, बड़ा वहाँ पर थोड़ा मोमेंट नॉर्मल हुआ था, बट आई एम लाइक हाउ वी कैन सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे दिस टाइम। हमें अपने अंदर के जो इतने बड़े हमारे प्रॉब्लम्स इशू उठ रहे हैं, हम उनको कैसे, हम जस्ट नेग्लेक्ट करके कैसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बस ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, चलो मूव ऑन करते हैं, अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है कोई भी। वी शुड लाइक आई जस्ट फील कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं बोला, मेरी अपनी प्रॉब्लम मैंने शेयर कर दी एटलीस्ट, मैंने किसी के लिए नहीं। मे गॉड गिव
उनको मिल, वो बस आई हैव नो वर्ड्स लिटरली, नो वर्ड्स। मैं ज़्यादातर, मेरे साथ होता है कि मैं खुशी में अपने ये बात बोलता हूँ कि एक्चुअल में मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, कि मैं इतना इस इंसान से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर इतना इस चीज़ को पसंद करता हूँ, फिर मेरे ये परसेप्शन है इस चीज़ के बारे में। बट दिस टाइम आई वॉज दैट अमाउंट ऑफ सैडनेस, दैट अमाउंट ऑफ, इतने हद तक का वो है कि आई लिटरली हैव नो वर्ड्स, मैं नहीं बोल सकता। मे भी शायद जो सोचा होगा वो नहीं बोल पाया, बट एटलीस्ट जितना भी बोल पाया, होप सो कुछ मैसेज पहुंचा कि इट्स नॉट अबाउट फैक्टर्स, इट्स नॉट अबाउट अगर पीपल गलत है ना, वो कम्युनिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी पर्टिकुलर थिंग पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई इंसान गलत है तो वो गलत है, एंड वी शुड ट्राई टू, यू नो, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन लाइक, आपने मतलब सीरियसली, सुसाइड इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, कि लाइक इंसान पढ़ते पढ़ते जस्ट वो एक एक चीज़ के पीछे भाग रहा है यार। एटलीस्ट आई एम लाइक लिटरली आई एम ह्यूज रिस्पेक्ट, अगर वैसे तो पता है, बट वी शुड लाइक डू सम, सभी बोल रहे हैं चेंजेस करने चाहिए, बट एटलीस्ट इफ़ यू आर पेरेंट्स यू शुड टीच योर, अगर आप कोई भी हो अपने आप आस पास ही बताओ कि ह्यूमैनिटी इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट हमको इतना, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को ये पता होना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट अ वूमेन, हाउ टू जस्ट, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ करने को देखिए। आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आप क्या ही बन सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को कभी फॉलो नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे, मेरी लाइफ में हमेशा से ये था कि हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट की फैक्टर ऑफ माई लाइफ, मुझे जस्ट उससे वो है। लास्ट ईयर तक आई चेंज इट टू एच स्क्वायर, इज हैप्पीनेस विद ह्यूमैनिटी, बिकॉज अगर आपकी खुशी भी दूसरों का नुकसान करके, किसी को इस हद तक परेशान करके, या फिर किसी, ये सब काम करके है ना, सो आई जस्ट फील रियली नो वर्ड्स।